राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह, सीएम आवास में होगा विदाई समारोह का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित, सीएम ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल ने किया पार्टी का आभार व्यक्त। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का होगा आगाज, 17 से 19 सितंबर तक चलेगा ये फेस्टिवल। ये फिल्म फेस्टिवल देवभूमि के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल। उत्तराखंड में 24 नए संक्रमित, एक भी मरीज की मौत नहीं। एक्टिव केसेस की संख्या 320 तक पहुंची। प्रदेश में कोरोना से अब तक 7389 लोगों की जान गई। कोरोना अभी गया नहीं, बढ़ते सावधानी, सरकार ने कहा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से सामने आ रही है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था, उसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह हुआ है, सीएम आवास में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेबी रानी मौर्य को सम्मानित किया, सीएम ने शॉल और स्मृति चिन्ह उनको भेंट किया। राज्यपाल ने पार्टी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता ने सम्मान दिया और उत्तराखंड को कभी भूल नहीं सकती है। ये देखिए तस्वीरें आपको सम्मान समारोह की दिखा रहे हैं, जहां मौजूदगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी रही। आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल पद से बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को फिर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह है, सीएम आवास पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित बेबी रानी मौर्य को किया। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं धनराज का। धनराज, समारोह से जुड़ी पहले बड़ी बातें बताएं। तरीके से राज्यपाल रानी बेबी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद उनका विदाई समारोह किया गया, तो जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको विदाई दी और साथ ही उनको सम्मानित भी किया है, शॉल उड़ाकर, और साथ ही एक मोमेंटो भी उनको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से बेबी रानी मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड की जनता ने उनको बहुत सम्मान दिया है, जिसका वो आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी का भी आभार व्यक्त किया कि उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद अब जिस तरीके से नए राज्यपाल की नियुक्ति भी कर दी गई है कि जो गुरमीत सिंह है उनको उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है, जल्द ही वो अपना कार्यभार संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो उत्तराखंड का 2022 का चुनाव होना है वो एक दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि सभी इस नियुक्ति को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक सैनिक बाहुबल से वो आते हैं और सैनिकों का वोटर में साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ऐसे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं काफी सैनिक यहाँ पर है और उससे कहीं ना कहीं सीधा ताल्लुक लगाया जा रहा है कि जो 2022 का चुनाव होगा उसमें सैनिक वोट जरूर बीजेपी को फायदा होगा। जी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदला गया, अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया, नए राज्यपाल भी सामने आए हैं। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे समारोह में कौन कौन से तमाम लोगों की मौजूदगी थी। जी पूजा, बिल्कुल, जब विदाई समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का किया गया तो साफ तौर पर देखा गया कि काफी मंत्री वहां पर मौजूद थे, धन सिंह रावत वहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद उनको शॉल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर मोमेंटो देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एक वृक्ष भी उनको भेंट किया गया है, जिस पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी दिखाने की कोशिश की गई है कि एक पर्यावरण को बचाने के लिए भी अब जो प्लास्टिक से जो मोमेंटो दिए जाते थे वो बंद कर दिए गए हैं और साफ तौर पर एक पेड़ भेंट कर उनको विदाई समारोह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक भावुक भी होते हुए नजर आए मुख्यमंत्री, क्योंकि जब देखा गया कि राज्यपाल काफी समय यहाँ पर रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक जो यादगार है वो सदा बनी रहेगी, और मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से हमें प्यार मिला है राज्यपाल का, तो एक देखने वाली बात है। जी
अंदर खाने से क्या कोई इससे जुड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है कि राजभवन और सरकार की रस्साकशी में बेबी रानी मौर्य की विदाई हुई है, उन्होंने इस्तीफा दिया है? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राज्यपाल की विदाई को लेकर कहीं ना कहीं काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उससे हटाया गया है कि जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तीन तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले गए और अब राज्यपाल को बदल दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं हरीश सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के रहे हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर निशाना साधते हुए बीजेपी पे यही कहा है कि कहीं ना कहीं एक राजनीति की दृष्टि से दलितों का एक अपमान किया गया है, क्योंकि जो राजनी बेबी मौर्य है वो दलित समाज से आती है और कहीं ना कहीं उनको हटाना एक गलत था। और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से गुरमीत को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं सैनिक जो वोटर है उसको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी क्या ये सिर्फ विपक्ष के द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा है या फिर एक तरीके से देखा जाए तो आरोप लगाया जा रहा है या सचमुच खटपट दिखी? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस लगातार कोई भी मुद्दा हो उत्तराखंड में उसको लपकने की कोशिश करती है, किसी भी मुद्दे को छोड़ने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुद्दे कांग्रेस को चाहिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे देवस्थानम का मुद्दा है, चाहे फिर वो महंगाई से जुड़ा मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रहती है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिससे जिससे मुख्यमंत्री बदले गए, तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए गए तो कहीं और अब राज्यपाल बदल दिए, तो एक बड़ा मुद्दा लेकर कांग्रेस इसको भी उतरेगी, जनता के बीच जाएगी और तमाम इसका फायदा उठाने की कोशिश लगातार करेगी। चलिए, तो इसका कितना फायदा विपक्षी पार्टियों को होगा और कितना चुनौतीपूर्ण ये सत्तासीन सरकार के लिए उत्तराखंड में रहने वाला है, इस पर सभी की नजर टिकी रहेंगी। धनराज बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, रुक करेंगे अब अगली खबर का। उत्तराखंड से ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है, देहरादून में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज होगा 17 से 19 सितंबर तक, ये फेस्टिवल चलेगा, जानकारी मिल पा रही है। ये फिल्म फेस्टिवल देवभूमि के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल होता है। फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्मी हस्तियां जो हैं वो भी शामिल होंगी, ये भी जानकारी मिल पा रही है। छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बताया जा रहा है कि 17 से 19 सितंबर को राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में होगा। हर साल की ही तरह इस बार भी कई शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज यहां पर दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि राज्य का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है ये फिल्म फेस्टिवल। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 17 से 19 सितंबर तक ये फेस्टिवल देखिए चलेगा। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ये फिल्म फेस्टिवल देवभूमि के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल होता है। फिल्म फेस्टिवल में बताया जा रहा है कि कई फिल्मी हस्तियां जो हैं वो भी शामिल होगी, कई फिल्मी सितारे यहां आएंगे। 3 दिन तक स्थानीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच रहकर उनसे अनुभव भी साझा वो करेंगे, ये भी जानकारी मिल पा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। विशाखा, देहरादून के बड़े आयोजनों में ये फिल्म फेस्टिवल शामिल होता है, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल पूजा, कई जो फिलहाल कोरोना काल को देखते हुए राजधानी देहरादून या उत्तराखंड में जो बड़े आयोजन होते थे, चाहे वो फिल्म को लेकर हो या अन्य जो विभाग है उनको लेकर हो, उन पर एक तरीके से रोक लगी हुई थी। और अभी जिस तरीके से कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिल्म फेस्टिवल को आयोजित कराने का जो निर्णय है वो सरकार के द्वारा भी मंजूरी दी गई है और इस फिल्म फेस्टिवल से जाहिर तौर पर राज्य में फिल्म को बनाने को लेकर एक पर्यटक राज्य है, तो जाहिर तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है कि यहाँ की जो यहाँ के जो एक तरीके से जो संस्कृति है, जो यहाँ की चीजें हैं उनका उपयोग करके राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सके, चाहे वो पर्यटक के रूप में विकसित करने को लेकर हो या फिर फिल्मों को लेकर। जिस तरीके से तमाम जो बड़े अभिनेता हैं या फिल्म जो बनाने वाले निर्देशक हैं उनका कहना है कि एक अच्छी शूटिंग उत्तराखंड में हो सकती है क्योंकि पहाड़ी राज्य है, उसको लेकर राज्य में जिस तरीके से फिल्म फेस्टिवल अभी आयोजित होने वाला है, तो जाहिर तौर पर हालांकि ये छठा
फिल्म फेस्टिवल है, तो इस फिल्म फेस्टिवल के जरिए जो फिल्मी जगत के लोग हैं उनकी नजर में जाहिर तौर पर राज्य की जो संस्कृति है, जो यहाँ की खूबसूरती है वो आती है। और जिस तरीके से सरकार के द्वारा भी कहा गया है, सब्सिडी एक तरीके से दी जाती है जो यहाँ पर बनती है। चलिए ठीक है, सरकार की तरफ से अब इसकी इजाजत दे दी गई है, लेकिन देखिए कोविड कहीं गया नहीं है, कोरोना अभी भी यही है। क्या तैयारियों में आप तस्वीरें देख पा रही होंगी, कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है विशाखा? जी बिल्कुल पूजा, देखिए ये बड़ा जोखिम होगा प्रशासन के लिए भी और जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी, क्योंकि किस तरीके से गैदरिंग होनी है, इतने लोगों को इकट्ठा करके जो प्रोग्राम है वो आयोजित कराने हैं और किस तरह से जो कोरोना प्रिकॉशन है उनका भी पालन कराना है, जाहिर तौर पर ये बड़ा मुद्दा रहेगा और प्रशासन को खासतौर पर इसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर जो लोग राज्य में आने वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो या अन्य राज्यों से हो, उनकी टेस्टिंग बिल्कुल कड़े तौर पर राज्य में होनी चाहिए। और जो लोग भी इस गेट टूगेदर में शामिल होंगे, जाहिर तौर पर उनका वैक्सीनेशन और उनकी जो टेस्टिंग है वो प्रशासन के साथ सुनिश्चित करके अब यह समय बताएगा कि इस आयोजन के बाद क्या कुछ असर देखने को मिलता है। और क्योंकि जब फिल्म फेस्टिवल आयोजित होता है या फिल्म से जुड़े या अभिनेता जब राज्य में पहुंचते हैं, चाहे वो राज्य की जो सेलिब्रिटीज हो वो हो या फिर अन्य सेलिब्रिटीज हो, तो जाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो भीड़ जुटती है उनको भी प्रशासन को रोकना और वहां पर एक तरीके से जो कोरोना की स्थिति उसको नियंत्रण कराना, उसको नियंत्रण में करना, साथ ही क्योंकि चिंताजनक विषय ये इसलिए भी बन जाता है विशाखा, क्योंकि कुंभ के दौरान देखिए जो तमाम सवाल प्रशासन पे खड़े हुए थे जिस वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो अब ये काफी चुनौतीपूर्ण पुष्कर सिंह धामी के लिए भी रह सकता है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए कुंभ के बाद स्थिति यही थी और कहा गया विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया कि जाहिर तौर पर पानी से जो गंगा में एक तरीके से इतने लोगों का नहाना हुआ या जो भी है वहां की वजह से इतना बड़ा विस्फोट एक तरीके से राज्य में हुआ। और जाहिर तौर पर यह फिल्म फेस्टिवल या जैसे अभी चारधाम यात्रा पर अभी मुख्यमंत्री के द्वारा रोक लगाई गई है तो उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि राज्य में इतने बड़े अगर लोगों की संख्या को जुटाकर फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराया जा रहा है तो चारधाम यात्रा क्यों आयोजित नहीं कराई गई, यह भी एक सवाल सरकार, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। चलिए इसको एक बार साइड में रखते हैं, जरा संक्षेप में बताइए कि कौन कौन सी फिल्म हस्तियों के नाम की सूची अभी तक सामने आ पाई है जो इसमें शिरकत कर सकते हैं? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अभी की बात करें तो फिलहाल जो उत्तराखंड की सेलिब्रिटीज है, चाहे वो सिंगर के तौर पर हो या फिर अन्य जो लोक एक तरीके से लोकनायक कहे जाते हैं वो, उनकी उपस्थिति जाहिर तौर पर इस फिल्म फेस्टिवल में रहेगी। चाहे जाने वाले सिंगर रूबिन नोटियाल हो या फिर अन्य जो सिंगर उत्तराखंड से उभर कर फिलहाल पूरे देश में जाने छाए हुए हैं वो हो, और अभी फिल्म जो फेस्टिवल की अभिनेताओं की सूची है ऐसी कोई जारी नहीं हुई है, लेकिन अभी यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि खासतौर पर उत्तराखंड की जो सेलिब्रिटीज हैं वो जरूर उत्तराखंड के फिल्म फेस्टिवल में शामिल होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, कोरोना से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पिछले 24 घंटों की अपडेट आपको बताते हैं, उत्तराखंड में 24 नए संक्रमित मिले हैं, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है पिछले 24 घंटों में। एक्टिव केसेस की संख्या 320 तक अब पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक आपको जानकारी दे दें कि 7389 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी बरतनी होगी, सरकार की तरफ से ये कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 24 नए संक्रमित मिले हैं, हालांकि एक भी मरीज की देखिए मौत नहीं हुई है जो सकारात्मक खबर है, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या जो है 320 तक अब पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल मिलाकर 7389 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए थे और उनकी मौत हो गई। कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है, सावधानी बरतने को लेकर भी अपील की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं संचित का, संचित ताजा अपडेट। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो है वो धीरे धीरे सेकेंड वेव की ओर कम होता नजर आ रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से आप लगातार देखिए कि प्रतिदिन 12 मरीज 20 मरीज के आसपास धीरे धीरे कोरोना से संक्रमित लोग हैं और लगातार मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोरोना की जो थर्ड वेव बताई जा रही थी आने की, इससे कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे पास पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो कम होने के बाद अब
मौतों का आंकड़ा भी थमने लगा था, लेकिन ये फिलहाल मौतों का जो आंकड़ा है वो थमा हुआ है, लेकिन जो संक्रमितों की संख्या है वो प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ती जा रही है। और आप देखिए अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के केसेज मिल रहे हैं, आपने देखा राजस्थान में 512 बच्चों के अंदर कोरोना का लक्षण मिले, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण भी आप उत्तराखंड के अंदर मान सकते हैं कि जो कोरोना की लापरवाही उत्तराखंड के अंदर बाजारों में मुख्य तौर से बढ़ती जा रही है, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमित के केसेज अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, एक लापरवाही जो होती है बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से केसेस बढ़ने लगते हैं। संचिती आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो पुख्ता हैं थर्ड वेव को लेकर? देखिए अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें पूजा, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है कि जितने भी जो तैयारियां कोरोना को लेकर के जो दूसरी वेव में लापरवाही बरती गई, दूसरी वेव में अचानक कोरोना का आने की वजह से जो तैयारियां सरकार नहीं कर पाई थी, उसको लेकर के सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी वेव आई अगर आएगी उत्तराखंड के अंदर तो उसकी सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उन्होंने खुद एक अपने बयान में उन्होंने बात कही है और वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि क्या बोलते कि जिस तरीके से जी तो उत्तराखंड में 24 नए संक्रमित मरीज देखे सामने आए हैं, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। संचित, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जिस तरीके से थर्ड वेव की बात है, थर्ड वेव में लगातार जो तैयारियां है वो सरकार ने कर ली और स्वास्थ्य विभाग ने भी सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली है। चलिए ठीक है, सरकार की तरफ से एक जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, कितना सकारात्मक वो धरातल पर दिख रहा है? संचित, देखिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत इससे पड़ी, देखिए जिस तरीके से लगातार मार्केट की बात करें तो आप देखिए मार्केट में जो लोग लापरवाही कोरोना से बरत रहे थे उसको लेकर के सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया, जागरूकता अभियान के बाद अब सरकार दंडात्मक कार्रवाई भी कर रही है इसको लेकर, जिस तरीके से लगातार केसेज आप देख रहे हैं उत्तराखंड में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के, और साथ ही साथ जो लोगों की लापरवाही की वजह से जो केसेज बढ़ेंगे सरकार इसमें कोई भी ढील बरतने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए अभी भी चेकिंग जो रेलवे स्टेशन या बाहर अदर स्टेट से आने वाले लोगों की चेकिंग अभी तक उत्तराखंड के अंदर हो रही है, तो आप एक इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कोरोना को लेकर के कितनी गंभीर है। साथ साथ आप देखिए डेंगू का भी कहर धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग से इसमें दोहरी जिम्मेदारी है कि दोनों ही बीमारियों से निपटना और दोनों ही बीमारी बड़ी घातक है। वैक्सीनेशन की रफ्तार से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास संचित? देखिए वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन लगातार प्रतिदिन की अगर बात करें तो करीब 1,00,000 लोगों से ऊपर वैक्सीनेशन उत्तराखंड के अंदर लगाई जा रही है। जो लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने रखा है दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट करने का, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। दिसंबर तक जो सरकार का लक्ष्य है सरकार पूर्णतः उसे पूरा करेगी और पूरे उत्तराखंड वैक्सीनेट होता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, पिछले 24 घंटों की अपडेट आपको दे रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से देखिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो इससे थर्ड वेव जो है वो काफी जल्दी आ जाएगी और काफी नुकसान जो सेकंड वेव में देखने को मिला था वो थर्ड वेव में भी सामने आएगा। तो लापरवाही ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में जो बारिश आफत बनकर बरस रही है उससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में बारिश के कारण कई नदियां जो है वो उफान पर है, 18 से अधिक सड़कें मलबे के कारण बंद हो गई है, कई मकान गिरे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आपको बता दें कि कई सड़कें कई मार्ग भी बंद हो गए हैं, 18 से अधिक मार्ग बताए जा रहे हैं जो मलबा गिरने के कारण बंद हो गए हैं, इससे यातायात भी देखिए काफी प्रभावित हो जाता है। साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कई नदियां ऐसी है जो उफान पर आ गई है बारिश की वजह से। उत्तराखंड में रसाफत की बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है, तो कहीं सड़कें और मार्ग मलबा गिरने के कारण बंद हो गया है, कई मकान गिरे हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां सड़कें जो है मलबे की वजह से अब बंद हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि कई मकान जो हैं वो गिरे हैं और जनजीवन भी उत्तराखंड का अस्त व्यस्त हो गया है।
इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अभी क्या स्थिति है ताजा उत्तराखंड में? विज्ञान विभाग ने जारी किया हुआ है और उसी क्रम में लगातार पहाड़ यानी हिमालयी क्षेत्रों में बरसात की खबरें आ रही हैं और हिमालयी क्षेत्रों में बल्कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां बरसात लगातार जारी है और वहां से सड़कों के अवरुद्ध होने की लगातार खबरें आ रही हैं। 18 सड़कों की अभी आप दिखा रही थी संख्या, वो उससे भी कहीं अधिक संख्या बढ़ रही है क्योंकि बारिश का क्रम है पूजा, वो लगातार जारी है और भूस्खलन भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे भूस्खलन की भी खबरें लगातार आ रही है। वो चक्राता का इलाका हो, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा का जो ऊंची हिमालयी क्षेत्र है वहां पे इस तरह की टीवी में भी कुछ इस तरह की घटनाओं के समाचार पूजा मिले हैं। तो बारिश का जो क्रम है लगातार जारी है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी यहाँ पे बरसात हो रही है। तो बरसात होने की वजह से आपको पता है कि मानसून का जो सीजन होता है उत्तराखंड के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ कच्चे हैं और यहाँ भूस्खलन की वजह से तमाम घटनाएं होती है और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सड़कों को होता है जिसके अवरुद्ध हो जाने से जो जनजीवन है पूजा वो काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अभी भी फिलहाल स्थिति ऐसी ही कुछ बनी हुई है। चलिए, कई जगह पे सड़कें और मार्ग बंद हो रखे हैं, नदियां देखिए उफान पर है, ये जानकारी मिल पा रही है। धीरेन्द्र, इसको लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल पूजा, देखिए जब 3 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था मौसम विज्ञान केंद्र ने तो उसके साथ ही सरकार आपदा प्रबंधन विभाग को ये निर्देश दे देती है कि इन 3 दिनों में जहां जहां भी इस तरह की चीजें हैं कि भारी बरसात की वजह से या नदियों में उफान आने की वजह से जलस्तर बढ़ने की वजह से दिक्कत आ सकती है उन क्षेत्रों को खाली करा लिया जाता है, वहां पे लोग न जाए इसका प्रबंध किया जाता है, वहां पे पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया जाता है, जो SDRF है उसको अलर्ट मोड पे रखा जाता है और ये सारी चीजें यहाँ भी उस तरह से हैं। और लगातार जो सड़कें बंद है उनको खोलने के लिए BRO, PWD और SDRF के लोग लगे हुए हैं, लेकिन पूजा भी कहीं से किसी बड़ी घटना की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सड़कों के बंद होने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। हालांकि ऐसी स्थिति में धीरेन्द्र यातायात भी काफी प्रभावित हो जाता है। अब बिल्कुल पूजा, देखिए सरकार एक एडवाइजरी भी इसीलिए जारी कर दी है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं वो अगर जरूरत न हो तो वहां न जाएं और अगर जाते हैं तो पहाड़ का जो प्रकृति है जो नेचर है उसका उसको देखते हुए जाएं और किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ में लेकर के जाएं जो पहाड़ों से भूस्खलन होता है, जो यहाँ के लोग हैं उनको ये पता रहता है कि कब होगा और कब नहीं होगा, तो उसका भी एक सरकार की जो एडवाइजरी जारी होती है उसमें शामिल रहता है। और सरकार जब 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ तो एडवाइजरी भी जारी की है कि लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से बचे और मैदानी क्षेत्रों में भी जहां पे जल भराव हो सकता है वहां भी एहतियात बरतने के निर्देश प्रशासन को लगातार शासन देता रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में बारिश जो आफत बनकर बरस रही है उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, किस तरह से कहीं सड़कें और मार्ग बंद है तो कहीं मकान गिरे हैं तो कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो सीधे अल्मोड़ा से सामने आ रही है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नंदा देवी मेले का शुभारंभ हो चुका है, कल से शाम गणेश पूजा के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। आज दोपहर 3:30 बजे नंदा देवी मंदिर परिसर से धार की तूनी जाकर कदली वृक्षों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और सांसद अजय टम्टा मौजूद रहे। तो टिहरी दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें आपको बता दें कि टिहरी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी वासियों को कई बड़ी सौगात दी है और कहा है कि उत्तराखंड को आर्थिक रूप से विकसित करते हुए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे। टिहरी जिला मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में इस बात की घोषणा करते हुए धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को नंबर एक राज्य बनाने के लिए 10 साल के रोडमैप पर काम कर रही है। राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार दिशा निर्देश प्राप्त कर रही है। उन्होंने बताया कि टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करते हुए विश्व मानचित्र पर अलग पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जल्द ही इसका परिणाम भी सबके सामने होगा। तो चलिए, खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।
कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ बरसात लगातार जारी है और वहाँ से सड़कों के अवरुद्ध होने की लगातार खबरें आ रही हैं। 18 सड़कों की अभी आप दिखा रही थी संख्या, वो उससे भी कहीं अधिक संख्या बढ़ रही है क्योंकि बारिश का क्रम है पूजा, वो लगातार जारी है और भूस्खलन भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भूस्खलन की भी खबरें लगातार आ रही है। वो चकराता का इलाका हो, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा का जो ऊंची हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की टीवी में भी कुछ इस तरह की घटनाओं के समाचार पूजा मिले हैं। तो बारिश का जो क्रम है लगातार जारी है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी यहाँ पे बरसात हो रही है। तो बरसात होने की वजह से आपको पता है कि मानसून का जो सीजन होता है उत्तराखंड के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ कच्चे हैं और यहाँ भूस्खलन की वजह से तमाम घटनाएं होती है और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सड़कों को होता है जिसके अवरुद्ध हो जाने से जो जनजीवन है पूजा वो काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अभी भी फिलहाल स्थिति ऐसी ही कुछ बनी हुई है। चलिए, कई जगह पे सड़कें और मार्ग बंद हो रखे हैं, नदियां देखिए उफान पर है, ये जानकारी मिल पा रही है। धीरेन्द्र, इसको लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल पूजा, देखिए जब 3 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था मौसम विज्ञान केंद्र ने तो उसके साथ ही सरकार आपदा प्रबंधन विभाग को ये निर्देश दे देती है कि इन 3 दिनों में जहां जहां भी इस तरह की चीजें हैं कि भारी बरसात की वजह से या नदियों में उफान आने की वजह से जलस्तर बढ़ने की वजह से दिक्कत आ सकती है उन क्षेत्रों को खाली करा लिया जाता है, वहां पे लोग न जाए इसका प्रबंध किया जाता है। वहां पे पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया जाता है, जो SDRF है उसको अलर्ट मोड पे रखा जाता है और ये सारी चीजें यहाँ भी उस तरह से हैं। और लगातार जो सड़कें बंद है उनको खोलने के लिए BRO, PWD और SDRF के लोग लगे हुए हैं, लेकिन पूजा भी कहीं से किसी बड़ी घटना की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सड़कों के बंद होने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। हालांकि ऐसी स्थिति में धीरेन्द्र यातायात भी काफी प्रभावित हो जाता है। अब बिल्कुल पूजा, देखिए सरकार एक एडवाइजरी भी इसीलिए जारी कर दी है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं वो अगर जरूरत न हो तो वहां न जाएं और अगर जाते हैं तो पहाड़ का जो प्रकृति है, जो नेचर है उसका, उसको देखते हुए जाएं और किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ में लेकर के जाएं। जो पहाड़ों से भूस्खलन होता है, जो यहाँ के लोग हैं उनको ये पता रहता है कि कब होगा और कब नहीं होगा, तो उसका भी एक सरकार की जो एडवाइजरी जारी होती है उसमें शामिल रहता है। और सरकार जब 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ तो एडवाइजरी भी जारी की है कि लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से बचे और मैदानी क्षेत्रों में भी जहां पे जल भराव हो सकता है वहां भी एहतियात बरतने के निर्देश प्रशासन को लगातार शासन देता रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में बारिश जो आफत बनकर बरस रही है उससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। किस तरह से कहीं सड़कें और मार्ग बंद है तो कहीं मकान गिरे हैं तो कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं जो सीधे अल्मोड़ा से सामने आ रही है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नंदा देवी मेले का शुभारंभ हो चुका है। कल से शाम गणेश पूजा के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। आज दोपहर 3:30 बजे नंदा देवी मंदिर परिसर से धार की तूनी जाकर कदली वृक्षों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और सांसद अजय टम्टा मौजूद रहे। तो टिहरी दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उससे जुड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें आपको बता दें कि टिहरी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी वासियों को कई बड़ी सौगात दी है और कहा है कि उत्तराखंड को आर्थिक रूप से विकसित करते हुए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाएंगे। टिहरी जिला मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में इस बात की घोषणा करते हुए धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को नंबर एक राज्य बनाने के लिए 10 साल के रोडमैप पर काम कर रही है। राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार दिशा निर्देश प्राप्त कर रही है। उन्होंने बताया कि टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करते हुए विश्व मानचित्र पर अलग पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जल्द ही इसका परिणाम भी सबके सामने होगा। तो चलिए, खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।